दोस्तों, हम राजू चौरसिया। आज की वीडियो में हमारा ये छाजा हो गया नीचे और ऊपर, ये पूरा धार पूरा अच्छा से बहुत समझा कर मैं इस वीडियो में बता के बना रहा हूँ आप लोग के। तो ये वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। कैसे ये बनाने के लिए अगर सीख जा रहे हैं तो कोई लटक बीम बनाने के लिए आप आसान हो जाइएगा। तो देखिए ये हमारा सेलिंग भी और ऊपर के एक बराबर कैसे आप बनाइएगा। तो ये हमारा वीडियो जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिए। और हमारा चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आकर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबा लें। कैसे मैं रोज वीडियो एक से एक दोस्तों सोचता हूँ आप लोग के लिए, नॉलेज सिखाते रहूँ, हमेशा सिखाते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबा ले। आइए वीडियो पूरा देखिए और सीखिए और समझिए दोस्तों, बहुत समझाया हूँ। तो चलिए आज के वीडियो ये छाजा प्लास्टर कैसे होता है, नीचे और ऊपर है धार कैसे बना रहा हूँ, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे देखिए आप सीखिए। तो चलिए आज के वीडियो यही है, छाजा कैसे प्लास्टर होता है लाइक जरूर कीजिए। मैं दोस्तों आप लोग सबसे पहले आपको बताएंगे, ये हमारा पूरा अच्छा से कटाई उटाई कर लेना नीचे ऊपर। कैसे इसमें ज़्यादा मोटा मसाला दीजिए तो आप परेशान हो जाइएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा हम छेनी हथौड़ा से करनी उन्हीं से सफाई कर लिए। आप बिल्कुल एक गोला हमारा है ना, गोला बिल्कुल आप अच्छा से गाढ़ा मार लीजिएगा। कैसे देखिए हम चला चला कर पूरा गाढ़ा बना रहा हूँ। वैसे ही आप लोग भी जहाँ भी कर रहे हैं दोस्तों गाढ़ा बनाइएगा। जैसे ये अब इस तरीके से आप दाढ़ा गोला तसला में रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप माजा से ऐसे दाढ़ा गोला बनाकर पूरा एक तरीका से आप अच्छे से इसको मार लीजिए। देखिए ये हम इसको ऐसे मार लेते हैं आराम से। इस तरीके से आप अच्छे से चाहिए पूरा मैंने अच्छा से मार लेना। कैसे जहाँ पे घोला नहीं लगेगा मसाला मारिएगा तो गिरने लगेगा, तो उससे अच्छा अच्छा से आप मार लीजिए। और उसके हिसाब से दोस्तों जब ऊपर आप मार लीजिए तो हमारा जो धार भी है ये हम इस पे भी साफ अच्छे से मार लेते हैं। देखिए पूरा हुआ बिल्कुल दोस्तों साहब, आपका जैसे मारने का मैं बोलूँगा आप मारिए तो पूरा अच्छा से दोनों साइड पूरा और गोला मार लीजिए। कैसे देखिए मैं दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से बताता हूँ। अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं जैसा बताता हूँ वैसे आप लोग सीखिए और करिए। तो ये हमारा हो गया मसाला, बिल्कुल ज़्यादा ना सूखा और ना ज़्यादा गीला, बिल्कुल ये हमारा मसाला देखिए चिपकाते हैं हम। कैसे देखिए ऐसे ऐसे देखिए बिल्कुल आप आधा पौन इंची माने हमारा टॉप देख के कितना सीधा है कितना टेढ़ा है उसके हिसाब से ऐसे आप छाप दीजिए। देखिए दोस्तों साफ इस तरीके से आप एक बराबर बिल्कुल छाप लेना। जैसे देखिए कि पूरा फंडी मारेंगे तो हमारा पूरा फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए हम छाप रहे हैं पूरा, पहले छाप के मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे देखिए जैसे छत आप करते हैं वैसे ही छापते हैं, इसको भी छाप लीजिए। जैसे मसाला आप उठाकर ऐसे आप बिल्कुल ऐसे खींच के मारिए छत में ऐसे, जैसे एक बराबर एक जगह छाप दे रहे हैं उसको अगले में भी मारकर छापिए। और छापने के बाद क्या हो रहा है तो सब आप लोग शुरू से देखिए। मैं एक से एक दोस्तों समझाता हूँ कि हमारा भाई जो नया आदमी भी देख रहा है उसको अच्छा से समझ आए और सीखे। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा अच्छा से छाप दिए हैं। और छापने के बाद हम क्या कर रहे हैं तो आप लोग देखते चलिए। तो देखिए छापने के बाद अब फंटी के बारी आ गया, हम सेलिंग पूरा छाप दिए। तो फंटी भाई ज़रा देना दोस्तों। तो
दोस्तों छापने के बाद इसमें आप फंटी कैसे लगाइएगा तो आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे ये हमारा बिल्कुल आप ज़्यादा मोटा मसाला नहीं, पहले अपना से ऐसे लेवल में देख के अगर हो सके तो सही रख के पहले इसको लेवल कर देना। देखिए इसको आप ऐसे आराम से आप लगा सकते हैं। ये हमारा पूरा पाता में फंटी में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कैसे ये फंटी में नहीं रहेगा तो धार बनेंगे तो गिर जाएगा। तो देखिए हम जैसे बिल्कुल ज़्यादा मोटा भी मसाला नहीं है ऐसे आप कर दीजिए। अगर आप देख रहे हैं ऐसे देखने में जहाँ अगर काटने के मांग रहे हैं ऐसे काट दीजिए बिल्कुल। फंटी मारने से कोई ज़्यादा मोटा मत रखना। दोस्तों इस तरीके से आप चाह के इसमें भी ये हमारा चौकट में भी ये इस तरीके से हमारा बराबर हो जाए। अब चलिए ऊपर क्या हो रहा है तो आप लोग देखते चलिए। ये हमारा पूरा ऐसे फंडी में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा बनाने में पूरा आसान रहेगा, नीचे से फंडी मार कर आप बना पाइएगा। तो देखिए इसको आप ऐसे आराम आराम से इसको छाप दीजिए, ऐसे देखिए ऐसे छाप लीजिए। कितना आराम से छोटा है उसको आप ऐसे मार के छाप लीजिए। देखिए दोस्तों ऐसे आप छापने के बाद इसको पहले आप आराम से ऐसे सुखा दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बिल्कुल आप आराम से ऐसे सुखाने के बाद क्या हो रहा है आप लोग देखते चलिए। सुखाने के बाद इसको हम ऐसे बिल्कुल ताहुल में ऐसे फंडी रख कर ऐसे हम इसको पाटा में हम करेंगे। जैसे देखिए ये हमारा पूरा ये हमारा फंडी में होना चाहिए दोस्तों। ये भी हमारा फंडी में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए, तब ये एक बराबर होगा। तो देखिए ये हम पूरा फंडी में करने के बाद इसको मोटा मसाला नहीं करिएगा ना तो गिरेगा। ऐसे देखकर आप रूस्टर के काम करेगा। नीचे भी हमारा फंडी में हो जाएगा, ऊपर भी फंडी में हो जाएगा। तो आप इस पे ऐसे आप फंडी रखिए पूरा बीच में। आइए हमारा रूसा हो गया, ये जो हम नीचे फंडी में हुआ है इसको हम इसमें मिलाते हैं। यहाँ से भी मिला लेते हैं दोस्तों। देखिए एक बराबर कैसे हो रहा है तो आप लोग देखते चलिए। अब दोस्तों ऐसे फंडी लगाने के बाद आप यहाँ पे ऐसे आप मसाला मार दीजिए। देखिए दोस्तों कैसे बन रहा है। ऐसे मसाला मारने के बाद दोस्तों इसको आप अच्छे से ऐसे चिपका देना। आप लोग देखते चलिए, सब वीडियो देखिएगा तबे समझ में भी आएगा। करने के बाद ऐसे आप फंडी के बराबर ऐसे आप
मिक्सिंग कर दीजिए। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं पूरा ये हम नीचे के कंप्लीट कर दिए हैं, पूरा ये फंटिंग में हमारा मिलाकर पूरा ऐसे हम रूसा मार दिए हैं। अब रूसा मारने के बाद क्या कर रहे हैं तो आप लोग देखते चलिए, ऐसे आप फंटिंग आप फटा देंगे। देखिए ये हमारा धार बन गया है नीचे के, अब क्या करिएगा तो आप देखिए हम फंटी जब ये बना दिए हैं ये हमारा आप देख सकते हैं पूरा फंटी में है, और क्या आपसे आप नीचा भी नहीं खेलना है ठीक है दोस्तों। देखिए पूरा ये हमारा जो सेलिंग के नीचे के काम और नीचे का धार आप लोग नज़र से देख सकते हैं, पहले मैं पूरा नीचे के अच्छे से फिनिशिंग कर दिया हूँ। अब पूरा तीन हमारा लटक धार जो है लटक धार वो हम पूरा बना दिए हैं, अब क्या करना है तो आप लोग देखिए। जैसे ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा फंटी हो गया, अब फंटी से हम क्या कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को बने रहिए। देखिए जैसे ये हमारा ये पूरा ये फंटी में है ऐसे, ये जब ये हमारा पूरा ये फंटिंग है दोस्तों तो इसको हम क्या करेंगे पूरा अच्छे से हम रूसा मार देंगे। तो आप लोग देखिए इस तरीका से आप रखकर चाहे हो सकता है तो ऐसे आप इसमें ऐसे बराबर रख लीजिए ऐसे ऐसे। देखिए इसमें आप यहाँ पे रूसा मिला लीजिए और यहाँ पे ऐसे पूरा ये हमारा खड़ा। अब यहाँ पे आप क्या करिए ऐसे मसाला आप चटाइए ऐसे। देखिए दोस्तों ऐसे हो रहा है, आप लोग देखते चलिए पूरा वीडियो तभी आप लोग समझ आएगा। पिटिया दिए और पिटियाने के बाद क्या करेंगे वो आप लोग देखते चलिए। पिटियाने के बाद ये हमारा इसके हिसाब से ऐसे नीचे के हमारा धार बन गया है, अब ऊपर के इसको हम कितना एक बराबर करना है तो आप लोग देखिए कैसे इसी जैसे एक बराबर हो जा रहा है। ये देखिए हमारा हो गया मसाला, इसको हम मसाला रख लेते हैं दोस्तों ठीक है ऐसे। ऐसे आप मसाला रख लीजिए कैसे हम लगाइए पैसा उठाइए ऐसे आप लोग से ऐसे दोस्तों पूरा पूरा ऐसे आप अच्छे से बिछा लेना। हम लोग तरह पलिए रख लें मार्जिन देख लीजिए इसको ऐसे करके दोस्तों आप लोग से
आराम वाला काम बता रहा हूँ, जैसे ये हम रूस्टर मार के एक ही हमारा ठेया बन गया, ऐसा ही ठेया हम उधर भी बनाएंगे दोस्तों। चलिए ऐसे आप नीचे के कोर से ऐसे नाप लेना आप। चलिए अभी इधर इधर भी हम एक ठेया बनाते हैं ऐसा ही। आना इधर देते हैं तो इसके हिसाब से ऐसे हम नीचे के दार में जैसे वहाँ पे हम उतना रखे हैं वैसे ही यहाँ पे भी रख लेते हैं। ऐसे आप इसको कुछ अलग अलग उधर के ये हमारा दोनों बराबर हो गया। और प्लस में दोस्तों बड़ा फंडी ऐसे उठाइए, बड़ा वाला फंडी जैसे बड़ा वाला फंडी दोस्तों ये हमारा इसमें आप ऐसे मिला लीजिए, इसमें हमारा मिला लीजिए, इसमें मिला दीजिए, ये हमारा बीच वाला जो अपने ऑटोमेटिक एक बराबर आ जाएगा। क्या उन लोग दोस्तों देख सकते हैं नीचे में आकर देखा भाई नरे लक्ष्मण बिल्कुल ऑटोमेटिक आ जाएगा ऐसे दोस्तों। आप इसमें अब रूसा मारकर बना दीजिए दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि मैं ये वीडियो बनाकर आप लोग ऐसा ही सिखाते रहूं। इस तरीका से देखिए ना, ऊपर ज्यादा मोटा मसाला दिया हूँ ना नीचे दिया हूँ। देखिए हमारा एक बराबर कैसे धार बन जा रहा है, काम ही नहीं कर। सब कारीगर के काम है, इतना काम ही नहीं करते। ये काम ही नहीं है। अब इसको दोस्तों ऐसे चिपकाने के बाद आप इसको आराम से दोस्तों क्या है दोस्तों, ऐसा ही आप पढ़ कर उसको अब भेज दीजिए। अब ये हमारा खेया हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें से जो बीच वाला है पंटी मार कर घींच दीजिए। तो देखिए वो भी आप लोग देखिए, जैसे हमारा इसमें खाली वाली मसाला आप भर लेना बिल्कुल अच्छे से। आइए हमारा जो ये पंटी में है दोस्तों, ये हमारा ये जो पंटी में है तो इसके बराबर से इसको काट देना, इसको काट देना, हमारा ले जाके यहाँ पर कटा देना। ये हमारा सट जाएगा ये फंटी में, नीचे फंटी में हमारा नापी में भी हो जाएगा। तो ऐसा ही आप बना देना, बस इसको अब रुसिया देना आप दोस्तों। इस तरीके से आप फिनिशिंग कर लीजिए। जैसे रूसा तो दोस्तों कोई मिस्त्री बना रहा है तो समझिए वो तो पूरा फिनिशिंग करेगा। जैसे आप लोग तो पूरा फंटी से जैसे समझाए वैसे आप बना लीजिए। अब इसको आप ऐसे से फिनिशिंग कर दीजिए, रह गया है कौन तो कौन कैसे बनाइएगा तो आप लोग देखते चलिए पूरा। हाँ दोस्तों आइए एक बात और, मैं जितना बोल के समझाता हूँ, जैसे देखिए ये हमारा पूरा ये फंडी में कर लेना, आइए हमारा पूरा फंडी में, तो ये हमारा कट बिल्कुल सीधा दिखेगा। कहीं कहीं लामा रहता है तो ऐसे इंजीनियर लोग ऐसे देखते हैं। ये तो हमारा एक फंडी में तो चलिए कोई बात ना, यानी मैं आपको कहीं बड़ा अगर ऐसा बनाइएगा तो ये हमारा पूरा फंडी में कर लेना कच, तो कच हमारा पूरा सीधा लोगे। चलिए अभी हमारा अब रह गया दोस्तों ये और ये कौन, तो कौन कैसे बनाते हैं आप लोग देखते चलिए। अरे बोला अब कौन कौन कटे जाइए कौन छोटा छोटा
और बांस में पकड़े अमोद भाई को गिरे तो मकाम ही ना पढ़ दादा ऐसे जितना हो जितना दे पानी पीट कटे जितने जितना हो के क्लियर हो जाल में दूसरे नियम रहता है झाड़ू मारना पड़ता है ना तो वहाँ पे तो गोरमाला से पूरा फिनिशिंग होता है। तो दोस्तों ऐसे झाड़ू से भी अच्छा हो जाता है पूरा ऐसे बाहर दीजिए जैसे अपना घर बहारते हैं वैसे ही बाहर देना अच्छा लगा लगे लाइक जरूर करम कैसे मैं रोज वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँचे और देखे और समझे ऐसा ही मैं रोज वीडियो बनाकर एक से एक दिखा दे रहा हूँ।